नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 कर्मचारी जासूसी में शामिल। निष्कासित पाक कर्मचारी महमूद अख्तर का बड़ा खुलासा। सेना और बीएसएफ की तैनाती की जुटा रहे थे जानकारी। कश्मीर में स्कूलों के बाद अब अधिकारियों पर निशाना। शोपियां में जिला शिक्षा अधिकारी के घर आग। फायरिंग के चलते सीमावर्ती इलाकों में 400 से ज्यादा स्कूल बंद। भारत में आईएस के खतरे से सचेत रहे अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव वाली जगहों से दूर रहने की सलाह। उम्मीदवारों की शिक्षा जानने का मतदाताओं को मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है नामांकन। और मोसल में आईएस के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी। कोकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा। इराक के प्रधानमंत्री आब्दी की आतंकियों को आत्मसमर्पण की सलाह। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को भीषण गोलीबारी की गई। इसमें 8 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 22 से ज्यादा घायल हुए हैं। बीएसएफ ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियों को तबाह कर दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक करके सीमा पर हालात का जायजा लिया। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर सीमा पार गोलीबारी को लेकर विरोध जताया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी में जबरदस्त फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की जान चली गई जबकि 22 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा मौतें सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में हुई। यहां 6 लोग गोलीबारी के शिकार हुए। राजौरी जिले के मंजाकोट में 2 महिलाओं की मौत हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए और मशीन गन से फायरिंग की गई। आज जो है ये लोग हैवी मोटर का इस्तेमाल करते हुए हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं और हम भी जो है इक्वल मेजर में अप्रोप्रिएट रिस्पांस इनको दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इनको हिट करेंगे जहां इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। सेना और बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश होती है। बीएसएफ ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 12 नागरिकों समेत 18 लोगों की जान जा चुकी है। 80 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार हो रही गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो जान बचाने की कोशिश में हैं। सीमाई इलाकों के 174 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुबह से ही हैवी शेलिंग कर रहा है और हैवी मोटार शेलिंग यहाँ पे हो रही है और बुलेट्स तक लोगों के घरों तक आई हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मजबूर हो गया है। इस समय हालात बहुत खराब हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी दिखो, आप भी सुन सकते हैं सर, इस समय लगातार फायरिंग चल रही है सर। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ भी खासा नुकसान हुआ है। सेना ने दावा किया कि नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि फायरिंग में उसके 6 नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था को निशाना बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंगलवार रात इसी कड़ी में एक शिक्षा अधिकारी के घर को निशाना बनाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है जबकि इसी महीने परीक्षाएं भी होनी है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आगजनी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वो इन वारदातों पर कड़ाई से रोक लगाए, साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का बंदोबस्त करे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
यह इशू स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है, लॉ एंड ऑर्डर का उन्हीं को देखना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और क्यों हुआ ऐसा, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ठीक करेगी। कश्मीर घाटी में कम से कम 26 स्कूलों में आगजनी की वारदातें हुई हैं। घाटी में 9 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा 14 नवंबर और 10वीं की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। विपक्षी दल और अलगाववादी इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर ही स्कूल खुलने चाहिए, नहीं तो अशांति फैलाने वालों को नया हथियार मिल जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गरीब बच्चों को स्कूल से दूर रखने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। वो स्वयं बेनकाब हो गए हैं और कश्मीर का आम युवा अब इस षड्यंत्र को भली भांति समझने लगा है। यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बाहर प्रदर्शन पर निकले हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी सोमवार को स्कूलों की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश के आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने भारत में आतंकी संगठन आईएस का हमला होने की चेतावनी दी है। उसने भारत में मौजूद अपने नागरिकों को सावधान रहने और खुद की उच्च स्तरीय सुरक्षा बरतने के लिए कहा है। अमेरिकी दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चेतावनी के मुताबिक आतंकी भारत में पश्चिमी देशों के नागरिकों के बीच लोकप्रिय जगहों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नागरिकों को धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव आयोजन के स्थलों से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जारी की है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 सितंबर 2016 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई विश्वव्यापी चेतावनी का पालन करने के लिए कहा गया है। जासूसी मामले में पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के निष्कासित कर्मचारी महमूद अख्तर ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। अख्तर ने बताया कि उच्चायोग के कई और कर्मचारी भी इस कड़ी में शामिल हैं, जो भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। महमूद अख्तर जासूसी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत से निष्कासित किए गए पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी अख्तर ने पूछताछ में बताया कि उसके अलावा 16 और कर्मचारी जासूसी रैकेट में शामिल हैं। महमूद ने खुलासा किया है कि ये लोग सेना और बीएसएफ की तैनाती से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। इन लोगों ने जानकारी के लिए कई अहम क्षेत्रों के लोगों से संपर्क बनाया। जानकारी की एवज में इन कर्मचारियों को लगातार पैसा पहुंचाया जाता रहा है। जांच एजेंसियां महमूद के इस दावे की छानबीन कर रही हैं। अगर ये दावे सही निकले तो पुलिस मामले को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिख सकती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा अख्तर को गोपनीय दस्तावेज और सूचना देने वालों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। महमूद अख्तर को पिछले महीने गोपनीय दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भोपाल जेल से फरार सिमी के 8 आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों से 6 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री ने सुरक्षा चूक की बात कबूल की है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने सिमी आतंकियों की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की किसी भी कार्रवाई पर हमेशा शक करने की आदत खत्म होनी चाहिए। जेल ब्रेक मामले में शहीद हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. Facts will come out. मुख्यमंत्री ने शहीद हेड कांस्टेबल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री कुसुम महदेले ने सुरक्षा चूक की बात मानी है। जेल प्रबंधन में ने प्रयास तो किया है,
लेकिन अब कोई चूक तो हुई है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। उधर मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो कांग्रेस और वामदल समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागे इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए, उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार ने जो बयान दिया राज्य सरकार ने उसको मान नहीं सकते हैं। ये गंभीर बात है कि 8 लोगों को इस तरह कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं हुआ है, इसके बारे में न्यायिक जांच की जरूरत है। भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा गार्ड की हत्या कर सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों को कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम, सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वार की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोराजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज। श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए, कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने पृथ्वीराज सिंह और पुखरेम शरद चंद्र सिंह की एक दूसरे के खिलाफ दायर अपील में यह फैसला दिया है। दोनों ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस A.R. दवे और L. नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि शैक्षिक योग्यता की सही जानकारी देना उम्मीदवारों का कर्तव्य है और इसकी जानकारी मतदाताओं का मौलिक अधिकार। पीठ ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी तरह की गलत जानकारी नामांकन पत्र खारिज होने की वजह बन सकता है। 2012 में मणिपुर के मोइरंग विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ एनसीपी उम्मीदवार पृथ्वीराज सिंह की जीत को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। निर्वाचित उम्मीदवार पृथ्वीराज ने नामांकन पत्र में खुद को MBA बताया था, जो गलत पाया गया। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए 10 जजों के नामों को मंजूरी दे दी है। अंतिम मुहर के लिए फाइल को राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। PTI के मुताबिक कानून मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 8 अन्य वकीलों के नामों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास विचार के लिए भेजा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर भी कई मौकों पर जजों की कमी का मुद्दा उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में भी राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की और जंगल सफारी समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री ने 5 दिन चलने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य ने विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों को शिक्षित कर हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाया जाता नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी दो परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश के कई क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए जनता को धन्यवाद भी दिया। मैं उन माताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने बहू के गर्भ में जो बच्ची थी, सांस के नाते, मां के नाते उसकी रक्षा करने का संकल्प किया। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अलावा मंगलवार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने भी स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला कठिन था। उन्होंने कहा कि फैसला सोच समझ कर लिया गया है। रतन टाटा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिस्त्री ने डोकोमो को लेकर टाटा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डोकोमो विवाद में सभी फैसले बोर्ड की सहमति से लिए गए और रतन टाटा को भी इनकी जानकारी थी। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। टाटा टेली सर्विसेज और जापानी कंपनी डोकोमो का विवाद अदालत में है। डोकोमो ने 2009 में टाटा की कंपनी में 26.5% हिस्सेदारी करीब 13,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। तब ये सहमति बनी थी कि अगर 5 साल में डोकोमो बाहर निकलेगा तो उसे 50% रकम लौटा दी जाएगी। 2014 में डोकोमो इससे बाहर हो गया और अब वो करीब 7,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। सरकारी बैंकों के कई बड़े ग्राहक जानबूझकर कर्ज लौटाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ग्राहकों की बढ़ती तादाद बैंकों के लिए परेशानी का सबब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई से ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने पर सवाल पूछा है। कर्ज में बड़ी रकम फंसने से बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़े परेशानी पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त एतराज के बाद सार्वजनिक बैंक जानबूझकर कर्ज नहीं देने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए रिजर्व बैंक पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुकाने वालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। हालांकि रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कर्जदारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय बैंक की दलील है कि नाम सार्वजनिक होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। Project appraisal has to be happening on a very regular basis so that you know you keep understand the kind of risk that is going to be built up over a period of time in the project. दिसंबर 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 साल में जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की तादाद 5,554 से बढ़कर 7,686 हो गई। इसी दौरान बैंकों का कर्ज 27,749 करोड़ से बढ़कर 66,190 करोड़ हो गया। सिर्फ 57 कर्जदारों पर बैंकों का करीब 85,000 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा कर्ज SBI का है। They constitute about 85% of these NPAs, which is a very, very high figure. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम आदमी है, जो रोजमर्रा के लिए जो लोन लेता है, उसका सिर्फ 15-16% का जो NPA हो रहा है, बट आपके जो बड़े बड़े जो बोरोवर्स हैं, उनका 84-85% हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लौटाए जा रहे कर्ज पर चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार ने बड़ी बैठक बुलाई। इसमें सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए अटके पड़े कई उपायों को तेज रफ्तार से लागू करने की बात कही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सड़कों को साफ करने, भवन निर्माण से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा व्यस्त सड़कों के चौराहों पर फव्वारों के जरिए धूल कणों को नियंत्रित करने की योजना है। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के वक्त उड़ने वाले धुएं को भी नियंत्रित किया जाएगा।
इन सभी निर्देशों की हर हफ्ते समीक्षा भी की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 4 नवंबर को प्रदूषण के मामले पर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की बैठक भी बुलाई है। पॉल्यूशन को लेके गवर्नमेंट अब काफी प्रिवेंटिव और अलर्ट उसमें है। हर हफ्ते इसको रिव्यू करेंगे कि क्या जो ये डिसीजन लिए इन पे क्या क्या हुआ, आगे और कोई जरूरत पड़ेगी तो वो भी कदम उठाएंगे। एनएसजी और आतंकवाद के मसले पर चीन और भारत की 4 नवंबर को हैदराबाद में बैठक होने वाली है। इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। बैठक से पहले चीन ने बयान दिया है कि वो पहले गैर एनपीटी सदस्य देशों की एनएसजी में भागीदारी के मसले पर सर्वसम्मति फॉर्मूला चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद ही वो भारत की एनएसजी सदस्यता की अर्जी पर विचार करेगा। चीन की ओर से यह बयान दोनों देशों के बीच एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर बीजिंग में सोमवार को हुई दूसरे दौर की वार्ता के अगले दिन आया। हुआ चुनयिंग ने कहा कि एनएसजी के मसले पर चीन भारत के साथ संवाद जारी रखेगा। एनएसजी में भारत के प्रवेश के आवेदन का चीन ने सियोल में जून में हुई बैठक में विरोध किया था। चीन ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से पाबंदी का भी विरोध किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं में तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की याचिका भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां होंगी। कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को जांच पैनल के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस फैसले के बाद इमरान खान ने आज होने वाली सरकार विरोधी रैली को रद्द कर दिया है। हालांकि उन्होंने समर्थकों को इस्लामाबाद की परेड मैदान में इस फैसले पर खुशी जाहिर करने के लिए जमा होने को कहा है। पनामा लीक मामले में नवाज शरीफ परिवार पर अवैध रूप से विदेश में संपत्ति जमा करने का आरोप है। इराकी सेना आईएस आतंकियों को खदेड़ने के लिए मोसुल शहर में घुस गई है। आईएस के कब्जे के 2 साल बाद सेना ने पहली बार शहर में प्रवेश किया है। इससे पहले आतंकवाद विरोधी टुकड़ियों ने मोसुल से 1 किलोमीटर दूर बाजवाया गांव में आतंकियों पर कई हमले किए। इराक के प्रधानमंत्री अलाबादी ने कहा कि आतंकियों के पास आत्मसमर्पण या मौत का ही विकल्प बचा है। मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर 2014 में आईएस आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। इसे छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों ने 17 अक्टूबर को अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान सेना ने 800 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से शुरू होगा। इस बार फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में दक्षिण कोरिया सिनेमा को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। वही मशहूर भारतीय फिल्म हस्ती का शताब्दी पुरस्कार गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म महोत्सव की शुरुआत पोलिश फिल्म आफ्टर इमेज से होगी, जबकि समापन में दक्षिण कोरिया की फिल्म द एज ऑफ शैडोज दिखाई जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में कई देशों की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 कर्मचारी जासूसी में शामिल। निष्कासित पाक कर्मचारी महमूद अख्तर का बड़ा खुलासा, सेना और बीएसएफ की तैनाती की जुटा रहे थे जानकारी। कश्मीर में स्कूलों के बाद अब अधिकारियों पर निशाना। शोपियां में जिला शिक्षा अधिकारी के घर आग। फायरिंग के चलते सीमावर्ती इलाकों में 400 से ज्यादा स्कूल बंद। भारत में आईएस के खतरे से सचेत रहे अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, धार्मिक स्थलों, बाजारों और उत्सव वाली जगहों से दूर रहने की सलाह।
उम्मीदवारों की शिक्षा जानने का मतदाताओं को मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है नामांकन। मोसल में आईएस के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी, कुंजाली और की में सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा, इराक के प्रधानमंत्री अबादी की आतंकियों को आत्मसमर्पण की सलाह। और इसी के साथ सुबह 7 बजे की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।